दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं YouTube पे किस प्रकार आप एक वीडियो को प्रॉपर और करेक्ट तरीके से अपलोड कर सकते हो जिससे आपके YouTube चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, साथ ही में YouTube आपके उस वीडियो को सर्च बॉक्स में भी डाले, खुद के सर्च बॉक्स में भी डाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि YouTube कौन से वीडियोज को सर्च बॉक्स में डालता है, उन वीडियोज को जिनको आप करेक्ट और प्रॉपर प्रोपोर्शंस में अपलोड करते हो, तो उसको अपलोड करने का आज मैं प्रोसीजर बताने वाला हूं, कौन कौन सी उसमें सेटिंग्स हैं जिनको ऑन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में YouTube को ओपन करें। तो इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, इंटरफेस आएगा, यहां पे आपको जाना है प्लस के आइकन पे। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां आपके सामने स्क्रीन पे पांच ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला क्रिएट ए शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो, गो लाइव टुगेदर, क्रिएट ए पोस्ट। यहां पे दोस्तों आपको जाना है अपलोड ए वीडियो। जैसे ही आप अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। यहां पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहां मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ये मैंने कल इंट्रो बनाया था, वो इंट्रो को मैं यहां पे अपलोड करने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का मेरा इंट्रो था चैनल का। तो यहां पे आपको जाना है नेक्स्ट के सेक्शन पे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी कुछ स्क्रीन जो है वो इस प्रकार से आएगी। यहां पे आपको जाना है एड डिटेल्स, बॉटम फेज में आप इसको प्रॉपरली चेक करें। आपके यहां पे लिखा रहेगा टाइटल, एड डिस्क्रिप्शन, पब्लिक, नो इट्स नॉट मेड, यानी ऑडियंस, लोकेशन, ये सब चीजें आएंगी। यहां दोस्तों सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहला है इसमें टाइटल। टाइटल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मन मर्जी से डाल देते हैं, इससे आपका जो चैनल है उसका वीडियो जो डलता है वो सर्च बॉक्स में यूट्यूब नहीं डालता है, बहुत सी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जब भी आप टाइटल क्रिएट करें तो टाइटल क्रिएट करते टाइम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखें कि किस प्रकार टाइटल लें, कहां से टाइटल पिक करें, किसी क्या दूसरे यूट्यूबर का टाइटल हम पिक कर सकते हैं। इन चीजों को सोचने के बजाय यूट्यूब ने आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन दिया है। यूट्यूब आपको खुद बताता है कि किस प्रकार का टाइटल आप लिखें जिससे हम उसको सर्च बॉक्स में डालें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से यहां पे दोस्तों बैक पे क्लिक करना है और डिस्कार्ड पे क्लिक करके फिर से आपको बैक जाना है। जैसे ही आप बैक जाएंगे यहां से, तो आपके सामने यूट्यूब का जो चैनल लोगो है, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड। टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड पे क्लिक करें। यहां पे ये देखिए इनकॉग्निटो मोड ओपन हो चुका है। यहां दोस्तों आपको जाना है सर्च पे। जब आप सर्च पे जाएंगे तो सर्च पे आपको राइट क्या करना है, आप इसको दो प्रकार से सर्च करें, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो सबसे पहले मैं हिंदी में इसको सर्च करने वाला हूं क्योंकि मेरा एक इंट्रो था तो उसके रिगार्डिंग मैं इसको राइट करूंगा। यहां पे लिखने वाला हूं YouTube चैनल के लिए, YouTube चैनल के लिए, चैनल के लिए इंट्रो कैसे, इतना ही जैसे लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों अपने आप यहां पे सर्च में आ चुका है, YouTube चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाएं, YouTube चैनल के लिए इंट्रो कैसे किस प्रकार से बनाएं, YouTube चैनल के लिए गेमिंग इंट्रो कैसे, ये सभी आपके सामने डिटेल आ चुकी है। तो यहां पे आप इसको स्क्रीनशॉट में लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप समझ जाइए कि सबसे ज्यादा जो यूट्यूब पे इंट्रो के रिगार्डिंग जो चेक होता है वो है यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाए, इट मीन्स पहले वाला। यहां पर इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको यहां कॉपी कर लें, ये ध्यान रखें यहां पे इसको कॉपी कर लें। ये देखिए इस प्रकार से यहां पे इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसको हमें वहीं पे पेस्ट करना है। अब इसमें और क्या करें हम, यहां पे ये दोस्तों इसको थोड़ा सा एक बार बैक कर लें और बैक करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जितने भी ये आ रहे हैं देखिए दोस्तों ये ऑप्शंस, यहां पे इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि हमें इनके आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तो यहां पे हो गया हिंदी में, दूसरा हम लिखेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, यानी इंग्लिश में इसको हमें राइट करना है। तो यहां हम लिखेंगे हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब। इतना जब आप लिखेंगे तो ये आपके सामने सर्च में आ चुके हैं, हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियोज, हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब चैनल, ये सब आ चुके हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लें दोस्तों। तो अब यहां पे जो स्क्रीनशॉट लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको राइट करना पड़ेगा। तो यहां पे वापस बैक पे जाएं, बैक पे जाकर के इनकॉग्निटो मोड को ऑफ कर दें,
ये टर्न ऑफ इनकॉग्निटो मोड हो चुका है। अब वापस हम अपना अपलोडिंग का प्रोसीजर करते हैं। दोबारा से प्लस के आइकन पे जाएंगे, अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो वीडियो हमारा उसको हम गैलरी से पिक करेंगे। पिक करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे डिटेल्स आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे टाइटल में इसको कॉपी कर देना है, जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉपरली था ये पेस्ट, ये देखिए यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाएं, तो यहाँ पे इसको हमें क्लोज करना है। इस प्रकार से आप इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपने जो लिखा था राइट किया था वो नहीं, आपने जो स्क्रीन शॉट लिया था उस स्क्रीन शॉट के अंदर आप दोस्तों इसको चेक करें कि किस प्रकार के आपके यहाँ पे चीजें थी। तो यहाँ हमने जो स्क्रीन शॉट लिया उसमें हम इसको चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन शॉट में डिटेल्स बेसिकली क्या क्या आई है। तो यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश वाला सेक्शन, ये आप इसको चेक करें। ये देखिए हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियोज, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियो, इसमें भी आपको दिक्कत आएगी, तो कंप्लीट लिखें हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियोज। तो यहाँ पे मैं वापस जाने वाला हूं अपने चैनल पे, हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियो उसमें मैं लिखूंगा, राइट करूंगा। ये देखिए दोस्तों हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब वीडियोज इस प्रकार से आप इसको लिखें और वापस इसको यहां से क्लोज कर दें। ये हो गया हमारा प्रॉपर एक टाइटल जिससे पीपल्स उसको आसानी से सर्च कर सकें। अब नेक्स्ट सेक्शन है एड डिस्क्रिप्शन। एड डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है, एड डिस्क्रिप्शन को जब आप ओपन करेंगे तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग सबसे पहले जो आपका यहां पे टाइटल है इस टाइटल को ही कॉपी कर लें। यहां पे हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, कंप्लीट जो हमारा टाइटल है ये कॉपी करेंगे इस प्रकार से हम, और कॉपी करके इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहला जो वर्क था हमारा ये यहां पे हो चुका है। इसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा करने के लिए हमें यहां पे लिखना है जो हमारा चैनल है उस चैनल के अदर कोई लिंक्स है, मान लीजिए कोई फेसबुक का है, कोई इंस्टाग्राम का है, तो उसको यहां पे आप लिखें अदर लिंक्स। तो अदर लिंक्स पे क्लिक करें और उन अदर लिंक्स इसमें फिल कर दें। अदर लिंक्स फिल करने के बाद फिर से आपको बॉटम सेक्शन में जाना है और बॉटम सेक्शन में अब क्या लिखना है, अब क्यूरीज लिखनी है, क्यूरीज लिखनी है दोस्तों। अब क्यूरीज में क्या लिखना है, क्यूरीज में आपने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए उन स्क्रीनशॉट में जो जो चीजें राइट है वो सब यहां पे हम लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है YouTube पे ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान एक ही प्रकार से YouTube पे सर्च करता है, बहुत से तरीके होते हैं जिसपे सर्च कर सकता है। तो जैसे हाउ टू मेक ए इंट्रो, हाउ टू मेक ए इंट्रो फॉर YouTube चैनल, हाउ टू मेक ए इंट्रो फॉर YouTube वीडियोज, इस प्रकार से वो सर्च कर सकता है। तो वो सभी आप इसमें प्रॉपरली राइट कर दें। राइट करने के बाद फिर आपको आना है बैक सेक्शन में, और बैक सेक्शन में आके तीसरी यहां पे इंपॉर्टेंट सेटिंग विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कर दे अनलिस्टेड, क्योंकि YouTube जब भी कोई वीडियो करता है अपलोड, जब भी आप YouTube चैनल पे अपना वीडियो को अपलोड करते हैं तो वो प्रोसेस में टाइम लेता है, तो प्रोसेस में टाइम लेने से पहले अपनी पब्लिक के लिए आप इसको कंप्लीट ओपन ना करें। तो यहां पे इसको कर दे अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर सेटिंग है ऑडियंस। अब ऑडियंस किसके लिए, दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर किड्स, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो किड्स है बच्चों के लिए नहीं मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, येट यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो इसके बजाय दोस्तों आप करें नो, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत सी रेस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, अदर जो पीपल्स हैं 18 से अबव जो भी पीपल्स हैं उनके लिए फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं, तो वो सभी इसको प्रॉपर चैनल को देख सकते हैं, बच्चे तो उनके द्वारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेक्शन एड प्लेलिस्ट, आप जो भी वीडियो जिस भी प्रकार का बना रहे हैं यानी जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड बना रहे हैं उसकी एक प्लेलिस्ट जो है उसको तैयार कर लें, तो प्लेलिस्ट बना लें, वो आप YT स्टूडियो ऐप से बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए एक ऐप है YT स्टूडियो ऐप, तो उससे आप बना सकते हैं। तो ये रहेगा एड टू प्लेलिस्ट। कमेंट आप किस प्रकार से ओपन करना चाहते हैं, यहां पे क्लिक करके देख लें, सभी कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं, पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, या होल्ड ऑल, सभी कमेंट्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो यहां आप अलाउ कर सकते हैं सभी कमेंट्स को। तो ये दोस्तों इसमें ये बेनिफिट्स हैं। तो ये सब हमारे यहां से हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों अभी हमारा जो वीडियो है वो यहां पे केवल अपलोड हो रहा है दोस्तों, यहां प्रॉपर फाइनल नहीं हुआ है। तो यहां आपको केवल अपलोड सेक्शन पे क्लिक कर देना है,
जैसे ही आप इसको अपलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, अपलोडिंग टू योर वीडियोस, सी वीडियो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों YT स्टूडियो ऐप को ओपन करें अपने मोबाइल फोन में। YT स्टूडियो ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो वीडियोज हैं वो आएंगे। यहाँ आपका जो वीडियो अभी जो अपलोड किया है उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आपको पेन या पेंसिल जैसा आप समझे इसके निशान पे क्लिक करें। सबसे पहला जो आपका काम है वो है थंबनेल अपलोड करना। थंबनेल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थंबनेल है क्या, जब भी YouTube चैनल आप लोग ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग पेज जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टार्टिंग पेज कैसा बनाया हुआ, उसी से व्यूवर्स उस पर फोकस हो जाते हैं, तो ये आपको बहुत बेटर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इस पेन पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, डाउनलोड थंबनेल या फिर कस्टम थंबनेल। तो हम कस्टम थंबनेल पे जाएंगे, कस्टम थंबनेल पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है, YouTube इसका लोगो है, हाउ टू मेक इंट्रो फॉर YouTube चैनल, YouTube चैनल के लिए इंट्रो किस प्रकार से बनाएं, तो इस प्रकार का एक थंबनेल बनाएं और यहां डन पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए दोस्तों यहां पे आ चुका है, स्क्रीन पे अपलोड हो चुका है। बाद नीचे आपको बॉटम में जाना है, मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां सबसे पहला ही ऑप्शन है एड टैग। दोस्तों टैग बहुत जरूरी चीज है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में क्लिक किए थे क्यूरीज, कुछ उसी प्रकार से टैग की इंपॉर्टेंस है। जो पीपल्स हैं वो अलग अलग प्रकार से वीडियोस को क्लिक करते हैं, वीडियोस जो है उसको सर्च करते हैं, तो आपको वो सभी चीज़ें वीडियो के रिगार्डिंग इसमें लिखनी है जो आसानी से आपका चैनल जो है वो सर्च बार में आ सके। तो यहाँ आपको लिखना है जैसे हाउ टू मेक, जैसा आपने स्टार्टिंग में लिखा था, या इसमें कोशिश यही करें जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो सभी लाइनें यहाँ पे लिखें, राइट करें। तो हाउ टू मेक इंट्रो फॉर यूट्यूब चैनल, YouTube चैनल, कुछ इस प्रकार से इसको लिख दें। लिखने के बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे बॉटम फेज में इस सेक्शन पे क्लिक कर दें तो एक टैग लग चुका है। एक टैग लगने के बाद दूसरा, तीसरा, इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टैग लगाएं। नेक्स्ट है दोस्तों कैटेगरी। तो कैटेगरी पे आपके वीडियो किस प्रकार के हैं, कार्स व्हीकल के हैं, कॉमेडी के हैं, एजुकेशन के हैं, एंटरटेनमेंट के, फिल्म एनिमेशन, हाउ टू मेक। तो यहाँ पे जो मेरे वीडियोज़ हैं वो कुछ एजुकेशन पर्पज़ के हैं, जो यूट्यूब की एजुकेशन जो है, यूट्यूब के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ से हैं। तो ये सब आप इसको राइट कर दें। कमेंट्स में अलाउ हमने कर लिए थे। सो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, ये आप क्या देखना चाहते हैं, कितने व्यूवर्स ने लाइक किया, तो इस पर टिक कर दें, अदरवाइज इसको रहने दें। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग क्लियर कंप्लीट करने के बाद इस बैक एरो पे क्लिक करें, और बैक एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सब कुछ इसमें अपलोड कर लिया है जरूरी सेटिंग्स के साथ में। इसके बाद आपका जो वीडियो है वो जरूर यूट्यूब अपने सर्च बॉक्स में डालेगा, ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप इसको विजिबिलिटी को ऑन कर दें, पब्लिक कर दें, और डायरेक्टली आपको इसको सेव बटन पर क्लिक करना है, तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको सेव बटन पर क्लिक कर दें, और ये सेव करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपका कंप्लीट जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो अपलोड हो चुका है। अब आप इसको प्रॉपर आपके व्यूवर्स चेक करेंगे। तो ये तरीका था एक प्रॉपर वीडियो को अपलोड करने का, कौन कौन सी जरूरी सेटिंग्स हैं उनके साथ में। थैंक यू दोस्तों।